बात करते हैं एक बैक्टीरियल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे पहला है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है और कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। यह कोशिका को मैकेनिकल इंजरीज और उन्हें फटने से भी बचाता है। सेल एनवेलप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर यह पता चला कि ये सेल एनवेलप तीन तरह की परतों से बना है, जिसमें है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है सेल वॉल और तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, यह सबसे बाहरी परत है और विभिन्न जीवाणुओं में इसकी रासायनिक संरचना और मोटाई अलग अलग होती है। अधिकांश बैक्टीरिया में यह एक हल्की ढीली परत के रूप में होती है, जिसे स्लाइमी लेयर कहा जाता है, जो बैक्टीरिया को डेसिकेशन और फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से बचाती है। और कुछ बैक्टीरिया में यह कठोर और सख्त हो जाती है, वहाँ इसे कैप्सूल कहा जाता है, जो फैगोसाइटोसिस का प्रतिरोध करता है। दूसरी परत है सेल वॉल, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होती है और ये भी सेल को रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तीसरी लेयर बैक्टीरियल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह सबसे भीतरी परत होती है। यह पतली, पारदर्शी और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोट्स की तरह ही यह भी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम के बीच कुछ विशिष्ट सामग्रियों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगला स्ट्रक्चर है मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर्स। ये मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की विशिष्ट विशेषताएं हैं और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ये बनते हैं और ये वेसिकल्स, ट्यूबुल्स या लैमेले की फॉर्म में हो सकते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये बाइनरी फ्यूजन के दौरान, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये सेल्स को अलग होने में मदद करते हैं। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और ये गोल्जी बॉडीज की तरह सेलुलर सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं और ये सेल वॉल बनाने में भी मदद करते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं क्रोमेटोफोर्स, ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं मेम्ब्रेन का, जिससे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट बढ़ सके। साइनोबैक्टीरियल सेल्स में इनके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में जो अपना स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। यह सेल एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है और यह एक कलरलेस, ट्रांसल्यूसेंट, विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस है। इसमें रिजर्व फूड होता है, जो कि ग्लाइकोजन, लिपिड और 70S राइबोसोम्स के फॉर्म में होता है। राइबोसोम्स जो हैं फ्री फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर्स में भी अरेंज हो सकते हैं mRNA के सिंगल स्ट्रैंड पर प्रोटीन सिंथेसिस में, जिन्हें पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स भी कहते हैं।
बैक्टीरियल सेल्स का अगला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स का आरंभिक न्यूक्लियस होता है। यह सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम से बना होता है जो रासायनिक रूप से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स से बनता है, लेकिन इसमें हिस्टोन और दूसरे प्रोटीन्स की कमी होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होते हैं और इसे जीनोफोर, प्रोकैरियोन या प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि ईकोलाई बैक्टीरिया में, एडिशनल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। हर प्लाज्मिड्स में कुछ हजार जीन्स होते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। प्लाज्मिड डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स को कुछ अजीबोगरीब फीनोटिपिक लक्षण प्रदान करता है, जैसे कि प्रजनन क्षमता और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरियल सेल्स में एक या एक से अधिक लंबी और पतली प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं, और हर फ्लैजिला ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एक मोनोफाइब्रिलर फिलामेंट होता है जिसे फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं, और ये फ्लैजिला बेसल बॉडी या शाफ्ट, हुक और फिलामेंट तीन भागों में डिवाइड होता है। सभी बैक्टीरियल सेल्स को उनके ऊपर प्रेजेंट फ्लैजिला के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एट्रिकस सेल्स जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, मोनोट्रिकस जिसमें एक फ्लैजिला होता है, एग्जांपल के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एम्फीट्रिकस जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, सिफेलोट्रिकस दो या ज़्यादा बैक्टीरिया सेल्स के एक ही एंड पर प्रेजेंट होते हैं, लोफोट्रिकस एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला सेल्स के दोनों एंड पर, और पेरिट्रिकस जिसमें कई सारे फ्लैजिला बैक्टीरिया की सारी शरीर पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स हैं। देखते हैं हम कितना समझ पाए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो पहला सवाल है, हु कॉइंड द वर्ड सेल, सेल शब्द की खोज किसने करी? तो इसका जवाब रहेगा रॉबर्ट हुक 1665, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क सेल को देखा था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका उत्तर रहेगा द सेल। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स के प्रकार कौन से हैं? तो ये रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अगला प्रश्न है, हाउ द न्यूक्लियस डिफर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस किस प्रकार से भिन्न होता है? तो ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसमें जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज PPLO? तो PPLO एक प्रिमिटिव बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जिसकी फुल फॉर्म रहती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने करी? तो इसका उत्तर रहेगा एंटोन मोन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित सेल्स को देखा था, जीवित बैक्टीरियल सेल्स को देखा था। तो अगला प्रश्न है, व्हाट आर द शेप टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का विभाजन उनके आकार के आधार पर कैसे होता है? तो चार तरह के
शेप के आधार पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का विभाजन करते हैं। पहला है कोकाई, जो कि एक राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा है बैसिलस, जो कि एक रोड शेप यानी छड़ी के आकार के होते हैं। विब्रियो, एक कोमा के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। और स्पिरिलियम, स्पाइरल आकार की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ कवरिंग ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की सेल्स की तीन लेयर कौन कौन सी हैं? तो यह है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि दो यूनिट 50S और 30S यूनिट को मिलाकर बने होते हैं। तो ये बातें रहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइंटिस्ट्स की, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इस सेल्स के विषय को खोजने में, जिसे हम आज पढ़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्लांट्स और एनिमल्स कुछ चीज़ों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है या उन्हें क्या कहते हैं। रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश बोटनिस्ट थे, उन्होंने एक कॉर्क के थिन स्लाइस को एक लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उस स्लाइस में उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, जिनको उन्होंने सेल कहा। और जो भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, उन्हें उनकी किताब माइक्रोग्राफिया में बताया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग बैक्टीरियल सेल्स को देखा, जो कि उन्होंने पॉन्ड्स से कलेक्ट किए थे, जैसे कि फिश में उन्होंने उनके एरिथ्रोसाइट्स को ऑब्जर्व किया और कुछ प्रोटोजोआ को भी ऑब्जर्व किया। और जो बैक्टीरिया सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने उनको एनिमल क्यूल्स नाम दिया। इन्होंने बहुत सारे सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाए और थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस थी, उन्होंने उनका खंडन किया कि जीव जो हैं स्वत मतलब अपने आप बनते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, जो कि स्कॉटिश बोटनिस्ट थे, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बताया और उन्होंने इसे ऑर्किड्स की रूट सेल्स के अंदर देखा था। डुचार्डिन, एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और साइटोलॉजिस्ट, उन्होंने मसल सेल के न्यूक्लियस के आसपास एक फॉर्मलेस लाइफ सब्सटेंस को देखा, जिसे उन्होंने सार्कोड नाम दिया और जिसे बाद में प्रोटोप्लाज्म कहा गया। पुर्किंजे, जो कि एक जैक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सेल के अंदर प्रेजेंट सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहा और इसी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। श्लाइडन, एक जर्मन बोटनिस्ट, उन्होंने यह पता लगाया कि सभी तरह के प्लांट्स जो हैं अलग अलग प्रकार की सेल्स से बने हैं, जो कि एक टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण करती हैं और इनमें हमेशा एक सेल वॉल होती है। और इन्होंने ही सबसे पहले चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सेप्ट। थियोडोर श्वान, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और यह निष्कर्ष बताया कि एनिमल सेल्स में एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है, जैसे कि प्लांट सेल्स में पाई जाती है।